हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोगों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने आपको एक डेमो दिखाया था कि हम एक प्रोजेक्ट करेंगे अबाउट आईपीएल एंड क्रिकेट। इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको एंड टू एंड आईपीएल विन प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्टर जो प्रोजेक्ट है वो बना के दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा उनके लिए अगेन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ये प्रोजेक्ट क्या कर सकता है। मैंने जैसा बताया था कि मैं एक ऐप बहुत फॉलो करता हूँ वाइल वॉचिंग क्रिकेट, जिसका नाम है ESPN क्रिक इन्फो। और रिसेंटली उन लोगों ने एक फीचर डाला है अपने एप्लीकेशन में कि जैसे ही सेकेंड इनिंग्स चल रहा होगा किसी भी मैच का, वो लोग हर ओवर के बाद दोनों टीम्स के विन का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बताते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे CSK और मुंबई का मैच हो रहा है। CSK ने फर्स्ट बैटिंग किया, 200 का टारगेट दिया और अब मुंबई बैटिंग कर रही है और 5 ओवर्स में उनके 50 रन हैं और 2 विकेट्स आउट हैं। तो इस पॉइंट पे करंट मैच सिचुएशन के हिसाब से हमारा जो मॉडल है वो मुंबई इंडियंस का विन प्रोबेबिलिटी बताएगा और CSK का भी विन प्रोबेबिलिटी बताएगा। लेट्स से अभी करेंटली मुंबई इंडियंस का विन प्रोबेबिलिटी इज 45 एंड चेन्नई का 55, ठीक है? तो जब मैंने ये फीचर देखा उस ऐप के अंदर तो आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड कि उन्होंने ये कैसे बनाया होगा, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यार चलो ये हम भी बनाते हैं, एंड दैट इज व्हाई ये वीडियो मैंने बनाया, ठीक है? सो हम लोग एंड टू एंड इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्रोच करेंगे। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि ये फीचर कैसे काम कर रहा है, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यू कैन सी दिस इज द वेबसाइट, ठीक है? यहाँ पर मैं आपसे कुछ चीजें मांग रहा हूँ, बैटिंग टीम, बॉलिंग टीम, करंट स्कोर, कितने विकेट्स आउट हो गए हैं, कितने ओवर्स खत्म हो गए हैं, टारगेट क्या है और कहां पर मैच हो रहा है। सो मैंने क्या किया, मैंने सेम इस मैच के जो इनपुट्स थे वो मैंने एज इट इज डाल दिए। चेन्नई सुपर किंग्स बैटिंग कर रही है अगेंस्ट सनराइजर्स, 79 का स्कोर है और अभी 1 विकेट आउट हुआ है, 10 ओवर्स कंप्लीट हुए हैं, टारगेट 134 का है और शारजा टारगेट एक्चुअली 135 का होना चाहिए, टारगेट 135 का है और मैच शारजा में हो रहा है। फाइंड विन प्रोबेबिलिटी एंड यू कैन सी मेरा मॉडल बोल रहा है कि चेन्नई के जीतने का चांस है 99% और सनराइजर्स के जीतने का चांस है 1%, ठीक है? तो आई थिंक थोड़ा सा मेरा मॉडल गलत है इन कंपैरिजन टू देयर मॉडल, ये थोड़ा ज्यादा फाइन ट्यून्ड मॉडल है। बट एक चीज मैंने जो नोटिस की जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो कि ये मॉडल हर चीज को कंसिडर कर रहा है, जैसे कौन सी टीम बैटिंग कर रही है। सो लेट्स से अगर मैं CSK के बदले कोई ऐसी टीम लूँ जो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जिनका, लेट्स से मैंने किंग्स 11 पंजाब लिया सेम सिचुएशन में और फाइंड विन प्रोबेबिलिटी पे क्लिक किया, एंड यू कैन सी किंग्स 11 पंजाब का विनिंग स्कोर एज इन विन प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है सेम सिचुएशन में CSK के कंपैरिजन में, क्योंकि CSK इन जनरल आउट परफॉर्म कर देती है आपका बाकी टीम्स को। सेम गोज विद आई गेस RCB भी अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो थोड़ा तो कम रहेगा, या अगेन 96%। और अगर लेट्स से मैं CSK रखूं यहाँ पर और मैं बॉलिंग टीम को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लूँ, ऑल दो सनराइजर्स भी एक अच्छी बॉलिंग टीम है, बट लेट्स से हमने मुंबई इंडियंस रखा और अब अगर हम विन प्रोबेबिलिटी पे जाएं तो ये देखो थोड़ा सा बढ़ गया बिकॉज मुंबई इंडियंस थोड़ा सही खेलती है। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको कोई और डिफरेंट मैच सिचुएशन पे लेके जाता हूँ। लेट्स से CSK वर्सेज मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा है और करेंट स्कोर है 100 फॉर 4 विकेट्स और ओवर्स कंप्लीट हो गए हैं 11, टारगेट है 187 और वेन्यू है लेट्स से मुंबई, मुंबई में मैच हो रहा है, ठीक है? और विन प्रोबेबिलिटी अब देखते हैं, सो चेन्नई का 40% है और मुंबई का 60% है, ठीक है? अब अगर मैं विकेट्स को घटा के 2 कर दूं तो चेन्नई का 71% चला गया, विकेट्स को घटा के अगर मैं 8 कर दूं तो चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत कम चांस है, 5% चांस है, एंड सेम गोज विद अदर फीचर्स एज वेल। सो नाउ गाइज, आपने डेमो देख लिया है, मैं आपको डेटा सेट दिखाता हूँ जो हम लोग यूज करने वाले हैं। सो ये एक डेटा सेट मुझे मिला है कैगल पे, IPL डेटा सेट 2008 विच वॉज द फर्स्ट IPL एडिशन से लेके 2019 तक का, जो 2 साल पहले IPL हुआ था। और ये डेटा बहुत ही फेमस है एक्चुअली, शायद आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को ये डेटा यूज करते हुए देखा होगा या फिर शायद आपने खुद भी यूज किया होगा। यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं बट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन जस्ट दीज 2 फाइल्स, deliveries.csv एंड matches.csv। सो मैंने क्या किया, मैंने एक नया फोल्डर बना लिया है एनाकोंडा के अंदर और उसमें मैंने अपने दोनों इन डेटा सेट्स को अपलोड कर दिया है,
मैचेस डॉट सी एस वी एंड डिलीवरीज डॉट सी एस वी को, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन डेटा सेट्स के अंदर क्या है। सो आई क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट, आई इम्पोर्ट द लाइब्रेरीज, and let us quickly import, this is the first one, इसको हम लोग बोल देते हैं match, और हम लोग एक और variable बना रहे हैं delivery, और इन दोनों में क्या है एक बार देखते हैं। so ये है हमारा पहला data frame match, और अगर आप इस पर focus करो तो यहाँ पे हर row IPL में हुआ एक मैच है, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सीज़न कौन सा है, सिटी कौन सा है, किस डेट पे मैच हुआ, पहली टीम कौन सी है, दूसरी टीम कौन सी है, टॉस किसने जीता, टॉस जीत के क्या डिसाइड किया, रिजल्ट कैसा था, डकवर्थ लुईस अप्लाई हुआ कि नहीं, विनर कौन था मैच का, कितने रन से जीता या फिर कितने विकेट से जीता, प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, स्टेडियम का नाम क्या है, अंपायर 1, 2 और 3 कौन है, ठीक है। सो टोटल यहाँ पे मेरे पास अगर आप चेक करो मैच डॉट शेप पे तो हमारे पास 756 मैचेस हुए हैं बाय द एंड ऑफ 2019 वाला आईपीएल, और यहाँ पे हर मैच का डिटेल्स आपके पास है, ठीक है। जो हमारे पास सेकेंड डेटा फ्रेम है वो थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा है, और अगर आप इस पे फोकस करो तो यहाँ पर बॉल बाय बॉल डिटेल्स है हर मैच का। सो एक मैच में 240 बॉल्स होती हैं मैक्सिमम, सो यहाँ पे हर रो किसी एक मैच का एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल का डिटेल है। जैसे कि ये मैच आईडी 1 का फर्स्ट इनिंग्स का डिटेल है, और बैटिंग कौन सी टीम कर रही है, बॉलिंग कौन सी टीम कर रही है, कौन सा ओवर चल रहा है, ओवर की कौन सी बॉल है, बैट्समैन कौन है, नॉन स्ट्राइकर कौन है, बॉलिंग कौन कर रहा है, क्या ये सुपर ओवर है, बाय के रन्स कितने हैं, लेग बाय के रन्स कितने हैं, बैट्समैन ने कितने रन्स मारे, एक्स्ट्रा रन्स कितने आए, क्या इस प्ले कोई प्लेयर आउट हुआ, अगर आउट हुआ तो कैसे आउट हुआ, अगर कैच आउट हुआ तो कौन से फील्डर ने कैच पकड़ा। सो यू कैन सी काफ़ी सारा डेटा है मेरे पास, बट हमें ये डेटा नहीं चाहिए, मतलब इस फॉर्म में ये डेटा हमें नहीं चाहिए, हमें एक डिफरेंट फॉर्म में डेटा चाहिए, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या डेटा निकालना पड़ेगा, क्या फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे इस डेटा सेट के अंदर से, सो दैट हम अपना मॉडल बिल्ड कर पाए। सो गाइज, सिंस मैंने प्रोजेक्ट पहले से कर रखा है तो मैंने डेटा भी बना रखा है अपने हिसाब से, तो मैं आपको वही डेटा दिखा रहा हूँ, और हमें इस फॉर्म में डेटा चाहिए, ठीक है। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सो हमें एट द एंड क्या करना है, हमें एट द एंड एक प्रिडिक्टर बनाना है जो किसी भी मैच स्टेट पे जो सेकेंड टीम बैटिंग कर रही है उसके हिसाब से वो बता पाएगा कि वो टीम कितना परसेंट चांस है कि वो जीतेगी, कितना परसेंट चांस है कि वो हारेगी, ठीक है। यही चीज़ हमें बनानी है। अब इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू टेक दीज फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड इनिंग्स में कौन सी टीम बैटिंग कर रही है, कौन सी टीम बॉलिंग कर रही है, कौन सी सिटी में मैच हो रहा है, चेज करने में कितना रन्स बाकी है, कितनी बॉल्स बाकी हैं, कितने विकेट्स बाकी हैं, टारगेट कितने का है, करेंट रन रेट क्या है, रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, और फाइनली उस टीम ने वो मैच जीता या नहीं जीता, ठीक है। दिस इज द डेटा दैट आई वॉन्ट, मुझे ये फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं मेरे डेटा सेट के अंदर से, ठीक है। अब एक चीज और, अब यह है तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बट मुझे जो आउटपुट दिखाना है वो परसेंटेजेस में दिखाना है, प्रोबेबिलिटीज में दिखाना है, तो जानबूझ के मैं उन्हीं क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स को चूज करूंगा जिनके अंदर ये फीचर होता है कि वो क्लासिफिकेशन करते टाइम प्रोबेबिलिटीज बताती हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ फेमस एल्गोरिदम्स जो ये कर पाते हैं उनमें से एक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इवन आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन भी ये कर पाता है, और बाकी के भी कुछ एल्गोरिदम्स ये फीचर आपको देते हैं, ठीक है। तो द आइडिया इज दिस कि हम एक क्लासिफिकेशन मॉडल ट्रेन करेंगे, बट जब हम उसका रिजल्ट लेंगे तो हम प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में लेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब हमारा अगला 30-40 मिनट्स इस चीज में जाएगा कि हम अपने करेंट डेटा सेट में से ये फीचर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग ये निकालेंगे कि हर मैच में, हर इनिंग्स में टोटल स्कोर कितना बना है, ठीक है। अगर आप ये डिलीवरी वाला डेटा सेट देखो तो यहाँ पर दो कॉलम्स हैं, एक है बैट्समैन रन्स और एक है टोटल रन्स। अब ये टोटल रन्स ये बताता है कि उस पर्टिकुलर बॉल पे कितने रन बने, जैसे इस बॉल पे 4 रन बने, बैट्समैन ने 4 रन बनाए और टोटल रन भी 4 रन से मिले,
कभी कभी क्रिकेट में ऐसा होता है कि आपके टोटल रन्स और बैट्समैन रन्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि बैट्समैन ने नो बॉल पे 4 मारा तो बैट्समैन रन्स 4 होंगे बट टोटल रन्स 5 होंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई देर आर टू डिफरेंट कॉलम्स। नाउ मुझे क्या करना है कि मुझे हर मैच में 2 इनिंग्स होती है, फर्स्ट इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स, मुझे हर मैच के दोनों इनिंग्स में टोटल कितने रन्स बने हैं वो निकालना है। और ये निकालने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल डू ग्रुप बाय। सो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डिलीवरी डॉट ग्रुप बाय। मैं दो चीजों के बेसिस पे ग्रुप बाय करूंगा, एक मैच आईडी व्हिच इज दिस और सेकंड इनिंग, ठीक है। और मैं इसके ऊपर लगा दूंगा सम और मैं निकालूंगा टोटल रन्स। एंड यू कैन सी गाइस मुझे एक मल्टी सीरीज सॉरी मल्टी इंडेक्स सीरीज मिल रहा है जहां पर आप बहुत इजीली रीड कर सकते हो कि मैच आईडी 1 जो था उसके फर्स्ट इनिंग्स में 207 रन बने और जिस टीम ने सेकंड बैटिंग की उसने 172 बनाया, फिर सेकंड मैच में फर्स्ट इनिंग्स में 184 बने और फिर जिसने सेकंड बैटिंग की उसने 187 बनाया, ठीक है। इस तरीके से हर मैच के लिए मुझे दो दो नंबर्स मिल रहे हैं विच इज द टोटल फॉर फर्स्ट इनिंग्स एंड सेकेंड इनिंग्स। अब मैं इसको क्या करूंगा, रीसेट इंडेक्स चला करके एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है। और इसको मैं बोल सकता हूँ टोटल स्कोर DF, ठीक है, टोटल स्कोर DF। सो अगर आप एक बार टोटल स्कोर DF को देखो तो आपके पास टोटल मिला के 1528 रोज हैं, क्योंकि आपके पास 756 मैचेस थे, तो हर मैच में 2 बार अगर बैटिंग हुई है तो उसके हिसाब से ये आपको मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यहां पर से हर उस रो को निकाल देना है जहां पे इनिंग्स का वैल्यू 2 है। बेसिकली मुझे सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स के टोटल्स को रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो पेंट में तो यू वुड सी कि यहाँ पे ये जो टोटल है ये एक्चुअली फर्स्ट इनिंग्स का टोटल है, दिस इज फर्स्ट इनिंग्स का टोटल, ठीक है, जो सेकंड टीम चेज कर रही है। सो दैट इज वाई व्हाट वी विल डू इज विल फिल्टर द डेटा। सो वी वुड राइट दिस इनिंग इज इक्वल टू 2 और वापस टोटल स्कोर DF में हमने इसको डाला और अब सीधे आधा हो गया 754 रोज, ठीक है। और इसी को मैं वापस स्टोर कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा टोटल स्कोर DF है इसको मैं मर्ज कर दूंगा मेरे मैचेस वाले डेटा फ्रेम के साथ। सो यहाँ पे मेरे पास हर मैच का डिटेल है, बस ये नहीं पता मुझे कि हर मैच में फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने कितने रन्स बनाए, और वो इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिल रहा है, टोटल स्कोर DF से, ठीक है। अब मैं इन दोनों डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करूंगा, मर्ज करूंगा, और जो कॉमन कॉलम होगा वो होगा मैच आईडी इस डेटा फ्रेम में और आईडी इस डेटा फ्रेम में। सो आई वुड राइट इट लाइक दिस, ध्यान से देखना, आई वुड राइट मर्ज, एक्चुअली आई वुड राइट मैच डॉट मर्ज टोटल स्कोर DF, और इसमें से मुझे बस दो ही चीजें चाहिए, एक चाहिए मैच आईडी और दूसरा चाहिए टोटल रन्स, क्योंकि इनिंग तो एनीवेज सभी में 2 है। तो आई वुड राइट मैच आईडी कॉमा टोटल अंडरस्कोर रन्स, ठीक है। और जो ज्वाइन कंडीशन है वो होगा लेफ्ट ऑन आईडी राइट ऑन मैच आईडी, और उसको जैसे हम ज्वाइन करेंगे हमें एक नया डेटा फ्रेम मिलेगा जिसमें सारे के सारे मैच वाले कॉलम्स होंगे बट लास्ट में एक उस मैच में फर्स्ट इनिंग्स में कितने रन्स बने ये भी वैल्यू होगी, ठीक है। और मैं इसको स्टोर कर देता हूँ मैच अंडरस्कोर DF में, एक नया डेटा फ्रेम बना लेते हैं मैच DF, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर हर मैच में फर्स्ट इनिंग्स में कितने रन्स बने ये इंफॉर्मेशन आ चुका है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग करूंगा, जैसे कि अगर आपको पता होगा तो आईपीएल में बहुत सारी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है और आज के डेट में उनमें से कई टीम्स खेलती भी नहीं है,
जैसे कि पुणे की दो टीम्स आई थी बीच में, वो नहीं खेल रही हैं अब। गुजरात की एक टीम आई थी, वो भी नहीं खेल रही है। तो हम सिर्फ उन्हीं टीम्स के मैचेस को रखेंगे जो टीम्स अभी भी खेल रही हैं, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल यहाँ पे कितनी टीम्स का डेटा है। सो अगर आप मैच डीएफ में जाओ और आप Team 1 कॉलम के अंदर यूनिक फंक्शन को कॉल करो, यू वुड सी कि यहाँ पे बहुत सारे टीम्स का डेटा है। सो सनराइजर्स खेल रही है, मुंबई इंडियंस खेल रही है, गुजरात लायंस के मैचेस को मैं हटा दूंगा, राइजिंग पुणे सुपर जायंट को मैं हटा दूंगा, आरसीबी के मैचेस को मैं रखूंगा, केकेआर के मैचेस को रखूंगा। सो दिल्ली डेयर डेविल के दो वेरियंट्स हैं यहाँ पे, एक दिल्ली डेयर डेविल है और एक दिल्ली कैपिटल्स है, दोनों सेम टीम्स हैं, नाम बदल गया। तो मैं क्या करूंगा कि मैं नाम चेंज कर दूंगा, दिल्ली डेयर डेविल जहां भी होगा उसको रिप्लेस कर दूंगा दिल्ली कैपिटल से। डेक्कन चार्जर्स का भी सेम सीन है, दिस इज बेसिकली सनराइजर्स हैदराबाद, इन दोनों को भी मैं रिप्लेस कर दूंगा। लाइक डेक्कन चार्जर्स जहां भी होगा उसके बदले सनराइजर्स हैदराबाद आ जाएगा। और कोची टस्कर केरला नहीं रहेगा, पुणे वॉरियर नहीं रहेगा, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स भी नहीं रहेगा। सो बेसिकली वो टीम्स जो मैंने डिसाइड की थी उतनी ही रहेंगी, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट कॉपी पेस्ट सम कोड और उसको रन करते ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऑल्सो मुझे लगता है मैंने एक स्टूपिड मिस्टेक किया है, और मैंने क्या गलती की है कि यहाँ पे इनिंग्स का वैल्यू 2 ले लिया, तो मेरे पास सारे जो स्कोर्स हैं वो सेकेंड इनिंग्स के हैं। आपने देखा होगा, शायद आपको गुस्सा आ रहा होगा, सॉरी अबाउट दिस, इसको रेक्टिफाई करते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज इसको पहले 1 करेंगे और ऊपर से मैं एक बार सेल्स को फिर से रन कर लूंगा। ये रहा फर्स्ट इनिंग के टोटल्स और इसको हमने मर्ज कर दिया, मैच डीएफ बना दिया और लास्ट में हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है? तो ये चीज तो अब हो गई। अब हमने जैसा डिस्कस किया है टीम्स को लेकर के, हम वैसा कोड रन करेंगे। सो मैंने एक लिस्ट बना लिया, पाइथन लिस्ट, जहां पर उन 8 टीम्स का नाम है जो करेंटली आईपीएल खेल रही हैं। सो मैं इसको रन कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने बस ये बेसिक कोड रन किया है। अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ही सिंपल कोड है। 2 कॉलम्स हैं, Team 1 और Team 2, जहाँ पे टीम के नाम आपको मिलेंगे। सो मैंने Team 1 में ये कोड लिखा है कि जहाँ भी दिल्ली डेयरडेविल्स है उसको दिल्ली कैपिटल्स में कन्वर्ट कर दो, और Team 2 में भी सेम कोड लिखा है। सिमिलरली मैंने Team 1 और Team 2 के ऊपर डेक्कन चार्जर्स को सनराइजर्स हैदराबाद से रिप्लेस करने का भी कोड लिख रखा है। सो इसको मैं जैसे ही रन करूंगा हमारा काम हो गया। लास्टली मैं ये कोड लिख रहा हूँ कि Team 1 वाले कॉलम में सिर्फ वही रोज रखो जहाँ पे टीम का वैल्यू इन 8 में से कोई एक है, और सिमिलरली Team 2 वाले कॉलम में उन्हीं टीम्स का मैच रखो जहाँ पे टीम का नाम इन 8 में से एक हो, ठीक है? तो इसको भी मैंने रन किया। और अब अगर मैं मैच डीएफ डॉट शेप को रन करूँ, यू कैन सी हमारे पास अब 641 मैचेस हैं। पहले हमारे पास 750 आई गेस 756 मैचेस थे। सो अराउंड 56 प्लस 59, इतने मैचेस बाकी की टीम्स ने खेले तो वो मैचेस हमने हटा दिए, ठीक है? ऑल्सो एक और चीज, यहाँ पर एक कॉलम है और उस कॉलम का नाम है डकवर्थ लुइस अप्लाइड। सो मुझे सिर्फ उन मैचेस का डेटा चाहिए है जहाँ पे बारिश नहीं हुई है, एज इन डकवर्थ लुइस अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है? सो देर आर सर्टेन मैचेस जहाँ पे डकवर्थ लुइस अप्लाई हुआ होगा। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप वैल्यू काउंट्स निकालो तो यू वुड फाइंड कि 15 मैचेस हैं जो रेन अफेक्टेड है, मुझे 15 मैचेस नहीं चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट दिस कोड, मैच डीएफ, ये रहे वो बाकी के मैचेस, और इसको मैं रीअसाइन कर लेता हूँ लाइक दिस। सो ये बेसिक लेवल फिल्टरिंग हमने कर ली। सो अभी तक हमने क्या क्या किया, इन शॉर्ट हमने बस वो मैचेस रखे जो करेंटली 8 टीम्स खेली हैं, और बारिश वाले सारे मैचेस हटा दिए, और हर मैच के लिए हमने ये निकाल लिया कि उस मैच में फर्स्ट इनिंग्स में कितने रन्स बने थे। यहाँ तक हमने काम कर लिया। सो अब हम लोग गाइज मैच डीएफ में जिन कॉलम्स की हमें ज़रूरत है उनको निकालेंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे डिलीवरी वाले डेटा फ्रेम के साथ, क्योंकि जो सारा का सारा मेन फीचर एक्सट्रैक्शन होने वाला है वो उस दूसरे डेटा फ्रेम में ही होने वाला है। सो हम अभी तक क्या कर रहे थे कि जो इन्फॉर्मेशन उस डेटा फ्रेम में नहीं था उसको हम यहाँ पे मैच वाले डेटा फ्रेम में निकाल रहे थे, ठीक है? तो एक बार देखते हैं क्या क्या मुझे चाहिए बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। मुझे बैटिंग टीम, बॉलिंग टीम, ये दोनों इन्फॉर्मेशन डिलीवरी वाले डेटा फ्रेम से मिल जाएगा। ये सिटी मुझे निकालना पड़ेगा मैच वाले से, और बस मुझे ये चाहिए टोटल रन्स कितने बने, और ये चीज़ चाहिए मैच कौन जीता। सो मुझे
एक्चुअली चार चीजें चाहिए यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए है मैच आईडी, देन मुझे चाहिए कि कौन सी सिटी में मैच हुआ, उसके बाद विनर कौन था मैच का, और टोटल रन्स कितने बने हैं। ये चार कॉलम्स की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं इसको मैच डीएफ में रीअसाइन कर रहा हूँ, और अब मैं इस मैच डीएफ को ज्वाइन कर रहा हूँ डिलीवरी के साथ, डॉट मर्ज डिलीवरी, और जो ज्वाइनिंग होगा वो होगा मैच अंडरस्कोर आईडी कॉलम के ऊपर, और ये हो गया ज्वाइन। ठीक है, अब मेरे पास बॉल बाय बॉल डेटा है, बट हर बॉल पे मुझे ये भी पता है कि वो बॉल कौन सी सिटी में फेंकी गई, वो बॉल जिस मैच में फेंकी गई वो कौन सी टीम ने जीता, और वो बॉल जिस मैच में फेंका गया उसमें टारगेट कितना था। ये पूरी चीज़ मेरे पास है। ठीक है, और इसको मैं वापस एक एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, डिलीवरी डीएफ। अब डिलीवरी डीएफ में मुझे सिर्फ उन रोज की वैल्यू चाहिए जहाँ पे इनिंग्स का वैल्यू 2 है, क्योंकि मुझे चेस करते टाइम ये पूरा काम करना है। तो मैं एक काम करूंगा, डिलीवरी डी एफ इनिंग इज इक्वल टू 2। डिलीवरी डी एफ मैं फिल्टर कर रहा हूँ लाइक दिस, और इसको वापस मैं स्टोर कर रहा हूँ। सो अगर मैं इस पॉइंट पे डिलीवरी डी एफ का शेप निकालूं तो मेरे पास टोटल मिला के 72,413 बॉल्स हैं, जो सारी की सारी सेकेंड इनिंग्स की बॉल्स हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक एक करके ये बैटिंग टीम तो मुझे ऑलरेडी पता चल जाएगा, ये डेटा के अंदर है, बॉलिंग टीम भी पता चल जाएगा, सिटी भी डेटा के अंदर है, तो इन तीनों के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेहनत जो करनी है वो करनी है इन कॉलम्स में, रन्स लेफ्ट, बॉल्स लेफ्ट, विकेट्स लेफ्ट, टोटल रन्स मेरे पास ऑलरेडी है, करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट। ठीक है, ये रिजल्ट भी मुझे निकालना पड़ेगा। सो पहले तीन कॉलम्स को छोड़ दिया जाए अगर, और इस टोटल रन्स वाले कॉलम को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे कॉलम्स अब मुझे निकालने हैं। ठीक है, सो गाइज अब हम लोग पहले फोकस करेंगे इन दो कॉलम्स के ऊपर, रन्स लेफ्ट और बॉल्स लेफ्ट। बेसिकली हर बॉल डालने के बाद टारगेट में कितने रन्स और बनाने बाकी हैं, और वो टारगेट अचीव करने के लिए कितनी बॉल्स हमारे पास बची हैं, ये हमें हर बॉल के बाद निकालना है। सो ये निकालना कुछ बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, लेट मी शो यू। सो इस पॉइंट पे अगर आप डिलीवरी डीएफ को देखो, तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है टोटल रन्स वाई, जो ये बताता है कि हर बॉल पे कितने रन्स बने हैं। जैसे इस बॉल पे 1 रन बना है, इस पे 0 बना है, इस पे 0 बना है, इस पे 2 बना है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे हर मैच के हिसाब से हर बॉल के बाद जो स्कोर है वो निकालना है। जैसे फर्स्ट बॉल के बाद 1 रन है, सेकेंड बॉल के बाद भी 1 रन है, थर्ड बॉल के बाद भी 1 रन है, फोर्थ बॉल के बाद 3 रन है, ये मुझे निकालना है। सो ये निकालना बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें सबसे पहले ग्रुप बाय करना पड़ेगा, किस चीज के ऊपर, मैच आईडी के ऊपर, मैच आईडी के ऊपर, और हमें एक फंक्शन लगाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव सम, और वो हमें लगाना है टोटल रन्स वाई वाले कॉलम के ऊपर। और जैसे हम लगाएंगे, ये देखो फर्स्ट बॉल के बाद 1 रन, सेकंड के बाद भी 1 रन, और थर्ड के बाद भी 1 रन, और उसके बाद 2 रन आए थे इसलिए 3 रन। ठीक है, उसके अगली बॉल पे शायद 4 चला गया इसलिए 7 रन्स, यू कैन एक्चुअली चेक दैट। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सो या 1 रन 1 रन 1 रन 3 रन 7 रन। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन आपको नीचे यहाँ पर मिल रहा है। तो हम इसको एक कॉलम में स्टोर कर रहे हैं, डिलीवरी डीएफ में मैं एक नया कॉलम बना रहा हूँ करंट स्कोर बोल के, करंट स्कोर इज इक्वल टू दिस। और अब अगर मैं आपको डिलीवरी डीएफ दिखाऊं तो यू वुड सी कि लास्ट में हमारे पास ये एक स्कोर आ चुका है। ठीक है, और ये मैच बाय मैच चल रहा है। और अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, जो हमारे टारगेट रन्स है, ये हमारा टारगेट रन है, हम हर बॉल पे इससे इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वही हमारा होगा रन्स लेफ्ट। सो हम निकालेंगे
runs left is equal to delivery df total runs x minus delivery df current score. और अब अगर मैं लिखूं delivery df, तो you can see इस मैच में सिंस टारगेट 207 का था, तो जैसे ही आपने एक रन बनाया तो इस बॉल के बाद 206 रन और बनाने. एक्चुअली हमें प्लस वन करना चाहिए था, आई गेस माइनस करने के बाद प्लस वन करना चाहिए था, क्योंकि हमेशा जो आपका टारगेट होता है वो प्लस वन होता है. एक्चुअली ऊपर ही गलती हो गई, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप ये चेंजेस कर लेना. हमेशा एक ज़्यादा रन बनाना होता है, तो कायदे से हमें क्या करना चाहिए था कि ऊपर जब हम ये बना रहे थे, जब ये टोटल निकाल रहे थे हम, उसी टाइम पे हमें प्लस वन कर देना चाहिए था. इस जगह पे ये जो सम निकल रहा था इसी में प्लस वन कर देना चाहिए था, बट ठीक है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा. ये हमने एक कॉलम अपना हैंडल कर लिया, ये वाला रन्स लेफ्ट हर बॉल के बाद. अब मुझे पता है कि उस मैच में जो सेकंड बैटिंग कर रही है टीम, उसको कितने रन्स और बनाने हैं. अब मुझे निकालना है कि बॉल्स कितनी बची हैं. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन निकालना एक्चुअली थोड़ा सिंपल है. यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो दो कॉलम्स हैं. सो पहला कॉलम है कि ये जो बॉल फेंकी गई ये कौन से ओवर की बॉल है, और ये उस ओवर की कौन सी बॉल है. जैसे कि ये जो बॉल है ये फर्स्ट ओवर की फर्स्ट बॉल है, ये जो बॉल है ये फर्स्ट ओवर की सेकंड बॉल है, ये फर्स्ट ओवर की थर्ड बॉल है. सो मुझे क्या करना है, हर केस में 120 से एक्चुअली सब्ट्रैक्ट कर देना इन दोनों के कॉम्बिनेशन को. सो बेसिकली मुझे ये करना है, मुझे लिखना है 126 माइनस डिलीवरी डीएफ का ओवर मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस डिलीवरी डीएफ का बॉल. ठीक है, जैसे मैं ये करूंगा तो मुझे हर बॉल के बाद कितनी बॉल्स बची हैं वो मिल जाएगा. जैसे यहां पर आप इस फॉर्मूले में डालो कि ये फर्स्ट ओवर है, तो ये पूरा नंबर आ जाएगा 6, और ये है फर्स्ट बॉल, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7. 126 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस बॉल के बाद 119 बॉल बची है. ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 126 माइनस 8 118, इस बॉल के बाद 18 बॉल्स बची हैं. अगर आप इसकी बात करो तो ये हो जाएगा 20 क्रॉस 6 120 प्लस 6 126 126 माइनस 126 0, मतलब इस बॉल के बाद एक भी बॉल नहीं बची है. ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा बॉल्स लेफ्ट डिलीवरी डीएफ, बॉल्स लेफ्ट बोल के हम एक कॉलम बना रहे हैं. एंड यू कैन सी लास्ट में हमारे पास ये कॉलम आ चुका है, रन्स लेफ्ट आ गया, बॉल्स लेफ्ट आ गया. सो ये दोनों कॉलम्स हो गए, ये दोनों कॉलम्स हो गए. अब हमारा फोकस है विकेट्स लेफ्ट के ऊपर, बट विकेट लेफ्ट थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं है कि हर बॉल के बाद कितने आउट हुए. इनफैक्ट हमारे पास एक प्लेयर डिसमिस बोल के कॉलम है जहाँ पे उस प्लेयर का नाम है जो आउट हुआ है, और अगर कोई आउट नहीं हुआ है तो वहाँ पे NAN वैल्यू है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि हर बॉल के बाद कितनी विकेट्स बची हैं. सो गाइज, विकेट्स लेफ्ट निकालने का कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मैं आपको बस एक बार वॉक थ्रू दे देता हूँ. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा प्लेयर डिसमिस्ड कॉलम है विच इज दिस वन, इसमें जितनी भी NAN वैल्यूज है उनको मैं स्ट्रिंग ऑफ जीरो से रिप्लेस कर रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद मैंने एक कोड लिखा है कि जितनी भी वैल्यूज अगर जीरो हैं, एक्स इफ या सो यहाँ पे जो कोड है वो ये है कि मैं इस पूरे कॉलम में काइंड ऑफ लूप थ्रू कर रहा हूँ, और मैं सिंपली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर x का वैल्यू स्ट्रिंग ऑफ जीरो है तो उसको वैसा ही रहने दो, और अगर नहीं है तो उसको वन बना दो. मतलब अगर यहाँ पे किसी बैट्समैन का नाम है, जैसे प्लेयर डिसमिस में यहाँ पे बैट्समैन का नाम है, तो उसको वन बना दो और सारी NAN वैल्यूज को जीरो कर दो. ठीक है, और इसके आगे का लॉजिक बहुत सिंपल है. मैंने सबसे पहले इस पूरे कॉलम को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, नाउ इस कॉलम में 01 है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो सब इंटीजर में है. और उसके बाद मैंने सेम क्यूमुलेटिव सम वाला फंक्शन अप्लाई कर दिया,
और मैच आईडी के हिसाब से ग्रुप बाय करके। सो मेरे पास अब हर बॉल के बाद उस पर्टिकुलर मैच में कितने विकेट्स गिरे हैं ये वैल्यू आ चुका है विकेट्स के अंदर, ठीक है। अब कितने विकेट्स बचे हैं वो निकालने के लिए बस 10 से सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये रहा मेरा आउटपुट। सो अगर मैं आपको लास्ट में लेके जाऊं तो यू कैन सी मैंने सिंस हेड निकाला है तो यू कैन सी कि सिंस एक भी प्लेयर आउट नहीं हुआ है, प्लेयर डिस्प्ले में सब जीरो है, दैट इज वाई यहाँ पे सभी जगह पे 10 है। अगर मैं आपको डिलीवरी डीएफ का टेल दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा, जैसे प्लेयर डिसमिस्ड यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, तो यू कैन सी अभी 5 बचे हुए हैं, 5 बचे हुए हैं, फिर जब एक विकेट गिरा तो अब 4 बचे हुए हैं, फिर एक भी विकेट नहीं गिरा उस बॉल पे तो 4 बचे हुए हैं, फिर एक और विकेट गिरा तो अब 3 बचे हुए हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट विल वर्क। सो इस पॉइंट पे अब मेरे पास ये जो तीनों कॉलम्स हैं ये मैंने इंफॉर्मेशन निकाल लिया है, टोटल रन्स मेरे पास ऑलरेडी है, अब मुझे इन तीन कॉलम्स के ऊपर फोकस करना है। पहला करंट रन रेट, दूसरा रिक्वायर्ड रन रेट, तीसरा वो मैच कौन जीता। सो करंट रन रेट निकालना बहुत इजी है गाइस। करंट रन रेट क्या होगा, करंट रन रेट होगा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, करंट रन रेट वुड बी इक्वल टू रन्स, अभी तक जितने भी रन्स बने हैं इस बॉल तक जितने भी रन्स बने हैं, डिवाइडेड बाय जितने भी ओवर्स आपने खेले हैं, ठीक है। तो हमें बस बहुत सिंपल सा एक कोड लिखना है, हमें लिखना है डिलीवरी डीएफ का करंट स्कोर डिवाइडेड बाय, अब ओवर्स हमारे पास है नहीं एक्चुअली, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअली है हमारे पास ओवर्स, इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए, हमें बॉल्स निकाल लेनी चाहिए कितनी खेली गई हैं अभी तक बॉल्स, जैसे कि यहाँ पे है ना बॉल्स लेफ्ट, तो अगर 4 बची हैं इसका मतलब आपने आउट ऑफ 120 116 बॉल्स खेल ली, तो अब 116 को आपको ओवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप 6 से डिवाइड कर दोगे, तो बेसिकली इसको डिवाइडेड बाय 120 माइनस डिलीवरी डीएफ का बॉल्स लेफ्ट, और अब इस बॉल्स को आपको ओवर्स में डिवाइड करने के लिए फिर से डिवाइड करना है बाय 6, तो इसको और डिवाइड करने के बदले ऊपर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम ही बात है। सो दिस इज आउटपुट, ठीक है। सो जो भी यहाँ पे फर्स्ट बिट ऑफ डेटा है अगर आप यहाँ पे वापस हेड करो तो यू कैन सी कि करंट स्कोर 1 है और बॉल भी आपने एक ही खेली है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो 6 हो गया डिवाइडेड बाय 1, दैट इज वाई आपका रन रेट इज 6। अगली बॉल पे आपने एक भी रन नहीं बनाया, करंट स्कोर अभी भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2, तो रन रेट हो गया 3, ठीक है। तो हम एक नया कॉलम बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट CRR, करंट रन रेट, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे रिक्वायर्ड रन रेट। रिक्वायर्ड रन रेट बहुत सिंपल है, जितने रन्स बचे हैं उसको डिवाइड कर दो जितने ओवर्स बचे हैं, ठीक है। तो अगेन ये बहुत सिंपल है, आपको बस ये कोड लिखना है डिलीवरी डीएफ RRR इज इक्वल टू डिलीवरी डीएफ का रन्स लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय डिलीवरी डीएफ का बॉल्स लेफ्ट, ठीक है। और ये अब अगर आप चाहो तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज भी आ चुकी हैं, ये देखो। सो इस पॉइंट पे आपको 206 रन बनाने हैं 119 बॉल पे, तो 10 पॉइंट समथिंग का रन रेट आपको चाहिए, ठीक है। अब बस एक लास्ट काम करना है, हमें ये रिजल्ट 0 या 1 के टर्म्स में लाना है। 0 और 1 के टर्म्स में कैसे लाओगे, बहुत सिंपल है, आपको हर रो के लिए चेक करना है कि जो विनर है और जो बैटिंग टीम है अगर वो सेम है तो आपका 1 आ जाएगा, और अगर दोनों डिफरेंट है तो 0 आ जाएगा। सो बेसिकली आपको एक फंक्शन बनाना है, रिजल्ट यहाँ पे आपको एक रो मिलेगा और आप लिखोगे रिटर्न 1 इफ रो का
बैटिंग टीम इज इक्वल टू रो का विनर। बैटिंग टीम अगर मैच जीत गई तो वन, एल्स जीरो। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, डिलीवरी डीएफ में अप्लाई फंक्शन को कॉल करेंगे एंड विल पास रिजल्ट ऑन एक्सेस इक्वल्स वन। यू कैन सी 0-0 आ रहा है, मतलब वो मैचेस नहीं जीते। सो विल क्रिएट अ न्यू कॉलम बाय द नेम ऑफ रिजल्ट। और अब अगर मैं आपको डिलीवरी डी एफ दिखाऊं तो यू वुड फाइंड कि लास्ट में हमारे पास ये भी आ चुका है। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इसमें से जो कॉलम्स हमें चाहिए हम उस ऑर्डर में उसको निकाल लेंगे। सबसे पहले बैटिंग टीम, उसके बाद बॉलिंग टीम, उसके बाद सिटी, उसके बाद रन्स लेफ्ट, उसके बाद बॉल्स लेफ्ट, उसके बाद विकेट्स लेफ्ट, उसके बाद टोटल रन्स एक्स, उसके बाद सीआरआर, आरआरआर, एंड रिजल्ट। और ओके, सो हमारे कॉलम का नाम आई गेस हमने विकेट्स ही रख दिया है, तो कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में जाके यहाँ पे विकेट्स कर देना। और अभी भी बॉल्स लेफ्ट नहीं है नाम, सॉरी माय बैड, दिस शुड बी बॉल्स, बॉल्स लेफ्ट। और ये रहा गाइस हमारा पूरा का पूरा रिजल्टेंट डेटा फ्रेम, जिस फॉर्म में हमें चाहिए था उस फॉर्म में मिल चुका है। बैटिंग टीम है, बॉलिंग टीम है, सिटी है, रन्स लेफ्ट है, बॉल्स लेफ्ट है, विकेट्स भी लेफ्ट हैं। एक्चुअली ये इसका मतलब ये नहीं है कितने विकेट्स गिर गए, इसका मतलब ये है कितने विकेट्स बचे हैं। टारगेट स्कोर क्या है, करेंट रन रेट क्या है इस बॉल के बाद, रिक्वायर्ड रन रेट क्या है इस बॉल के बाद, और ये मैच चेस करने वाली टीम जीती या नहीं जीती। ठीक है, तो यही हमारा डेटा फ्रेम है। इसको मैं एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, फाइनल डीएफ, और ये रहा फाइनल डीएफ। अब इसमें अराउंड 72,000 रोज हैं। व्हाट आई विल डू इज मैं इसको शफल कर दूंगा। शफल इसलिए करूंगा क्योंकि एक मैच की सारी बॉल्स एक साथ हैं, तो मेरे को लगता है थोड़ा बायस डेवलप हो सकता है। सो आई वुड राइट सैम्पल फाइनल डीएफ डॉट शेप का जीरो। शफल हो जाएगा ये पूरा, और कोई भी मैच का कोई भी बॉल कहीं भी जा सकता है अब। और इसको मैं वापस यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। और अब अगर मैं आपको रैंडमली कोई भी रो निकाल के दिखाऊं, तो जैसे कि ये देखो, ये मैच हो रहा है दिल्ली और आरसीबी के बीच। दिल्ली बैटिंग कर रही है, एज इन चेस कर रही है। 123 रन बचे हैं, 79 बॉल्स बची हैं, 7 विकेट्स बचे हैं, 183 का टारगेट है, करेंट रन रेट 8.78 है, रिक्वायर्ड रन रेट 9.34 है, और ये मैच दिल्ली हार गई। ठीक है, तो अब ये डेटा फ्रेम मेरे पास सही फॉर्म में आ चुका है। अब बस हमें क्या करना है कि इसके ऊपर मॉडल बिल्डिंग करना है। सो अब जो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे वो होगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना। सो फॉर दैट आई विल इम्पोर्ट फ्रॉम एसकेलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एक्स टेस्ट, सॉरी एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट वाई ट्रेन, वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई, और हमें उसके लिए एक्स और वाई भी निकालना पड़ेगा। सो एक्स हो जाएगा हमारा फाइनल डी एफ डॉट आई लॉक सारे रोज और लास्ट कॉलम को छोड़ देंगे, और वाई हो जाएगा फाइनल डी एफ डॉट आई लॉक सारे रोज और आखिरी कॉलम। ये होगा सारे रोज, सारे कॉलम्स एक्सेप्ट लास्ट वन एंड दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे आई वुड प्रोवाइड टेस्ट साइज 0.2, और जो रैंडम स्टेट है वो वन रख लेते हैं, और ये रहा मेरा एक्सट्रीम। ठीक है,
57,000 अराउंड 58,000 रोज हैं इसमें, और ये रहा सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जो प्रॉब्लम हमें कर सकती है वो ये है कि हमारे तीन कॉलम्स दे आर स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है फ्रॉम sklearn डॉट कंपोज इम्पोर्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मर, और ये कोड हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर का, अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मर के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हो कॉलम ट्रांसफॉर्मर, मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया है। सो बेसिकली हम बैटिंग टीम, बॉलिंग टीम और सिटी के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे वन हॉट इनकोडिंग, विल ड्रॉप द फर्स्ट वन, और स्पार्स एरे नहीं चाहिए, और जो बाकी के बचे कॉलम्स हैं उनको हम ऐसे के ऐसा ही पास कर देंगे। ठीक है, सो ये हो गया स्टेप वन। वन हॉट इनकोडर को भी हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट वन हॉट इनकोडर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक पाइपलाइन बनाएंगे। सो उसमें स्टेप वन होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, और स्टेप टू में हम अप्लाई करेंगे हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला मॉडल। अब मैं क्या करूँगा, मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्पोर्ट करूँगा। सो आई वुड राइट फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आई विल ऑल्सो इम्पोर्ट scikit-learn का पाइपलाइन, sklearn डॉट पाइपलाइन इम्पोर्ट पाइपलाइन। नाउ आई विल क्रिएट अ पाइप ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे स्टेप्स में आई वुड पास टू स्टेप्स। स्टेप वन वुड बी जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, एंड स्टेप टू वुड बी हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और यहाँ पे जो सॉल्वर होगा वो होगा लेब लीनियर। ये चीज़ें मैंने ट्राई कर रखी हैं तो आप एक बार चला के देख लेना। अब हम लिखेंगे पाइप डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन एंड देर इज सम इशू। ओके, सो देर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो फाइनल डीएफ है, ये जो हमारा फाइनल डीएफ है इसमें कुछ नैन वैल्यूज है। लेट्स सी, फाइनल डीएफ डॉट इज नल डॉट सम। सो सिटी में 832 रोज में मिसिंग वैल्यूज है। सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड राइट ड्रॉप एनए इन प्लेस इक्वल्स ट्रू, मैंने हटा दिया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट दोबारा हमारा, ये रहा मेरा एक्स ट्रेन, थोड़े से रोज कम हो गया और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। अभी भी कुछ एरर आ रहा है। ओके, सो अब एरर ये है कि कुछ जगहों पे जो इनपुट है उसमें इन्फिनिट वैल्यू है। लेट्स चेक दैट। सो ये मेरा एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम के ऊपर मैं डिस्क्राइब फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव इनफाइनाइट है, और रन रेट तभी इनफाइनाइट होगा, रिक्वायर्ड रन रेट, जब आपको कुछ रन्स चाहिए होंगे बट आपके पास बॉल्स जीरो होंगी। राइट, मतलब अभी आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमें कैसे इसको हैंडल करना है। जो लास्ट बॉल है ना, हर मैच का जो लास्ट बॉल है वो प्रॉब्लम कर रहा है। सो हम लोग टेम्प्रोरीली एक काम कर सकते हैं कि जितने भी रोज हैं जहाँ पे बॉल्स लेफ्ट का वैल्यू जीरो है उनको हम हटा देते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट दिस कोड, फाइनल डीएफ बॉल्स लेफ्ट नॉट इक्वल टू जीरो। हम बस उन्हीं रोज को लेंगे जहां पे बॉल्स लेफ्ट जीरो नहीं है। और फिर से पूरा कोड रन करते हैं। अब हमारे पास 57,000 रोज हैं, आगे का कोड सेम रहेगा, एंड ये हमारा गाइस मॉडल ट्रेन हो गया। ठीक है, अब हम वाइप रेट कैलकुलेट करेंगे बाय राइटिंग पाइप डॉट प्रिडिक्ट
एंड विल पास एक्स टेस्ट और आई वुड राइट फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर एंड एक्यूरेसी स्कोर में हम पास कर देंगे हमारा वाई टेस्ट एक्चुअल वैल्यूज एंड वाई प्रेड एंड यू कैन सी हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमें 80% का एक्यूरेसी दे रहा है। ठीक है, सो इट इज क्वाइट गुड, मतलब अच्छा ही है। बट एक्चुअली हमारा मेन कंसर्न ये नहीं है कि एक्यूरेसी कितना आ रहा है। आप यहाँ पे एक्चुअली एसवीएम ट्राई कर सकते हो, आप और भी एल्गोरिदम्स ट्राई कर सकते हो, इनफैक्ट मैंने किया भी था। एंड लेट मी शो यू कि अगर आप यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट यूज करोगे तो क्या होगा। सो अगर मैं एक काम करूँ यहाँ पर, इफ आई राइट फ्रॉम एसकेलर्न डॉट ऑनसेम्बल इम्पोर्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और यहाँ पर रादर देन यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन इफ आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ रैंडम फॉरेस्ट, तो ट्रेन होने में फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, रैंडम फॉरेस्ट थोड़ा टाइम लेता है। ट्रेन हो गया, वाइब्रेट कैलकुलेट किया और ये रहा हमारा एक्यूरेसी 99.92। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे थोड़ा घबराहट हो गई कि इतना ज्यादा कैसे है, बट अपेरेंटली या ये डेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड है रैंडम फॉरेस्ट के लिए इतना अच्छा एक्यूरेसी लाने में। थोड़ा सा क्रॉस वैलिडेशन करने पे शायद आपको और एक्यूरेट आइडिया मिलेगा कि ये कैसा है, बट इट इज़ वेरी हाई, मतलब 95 के 97 के ऊपर रहेगा। तो इन अ वे अगर मेरे से कोई पर्टिकुलर मैच सिचुएशन दिखा करके ये पूछे कि बताओ चेजिंग टीम जीतेगी कि नहीं, वो मैं आपको बहुत हाई एक्यूरेसी से बता सकता हूँ अगर मैं रैंडम फॉरेस्ट यूज करूँ। बट मुझे चाहिए है कि हर स्टेज पे दोनों टीम्स के जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई विल यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बिकॉज वो मुझे इंटरनली सिग्मोइड फंक्शन यूज करके वो दोनों प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके देगा। कहने को रैंडम फॉरेस्ट भी ये काम करता है, लेट मी शो यू। अगर आप इसके अंदर भी एक फंक्शन है प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे अगर आप एक्स टेस्ट डालो और पहले वाले का निकालो तो आपको बहुत ही एक्यूरेट टाइप का मिलता है। ये देखो, मतलब हमेशा ही बहुत स्ट्रांग रहता है एक तरफ, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ चाहिए। जैसे फिर भी ये ठीक है, और देखो ये बहुत ही ज्यादा लाइक एक तरफ है या फिर दूसरी तरफ है। तो ये मैंने चेक किया था बहुत मैचेस के ऊपर, एंड आफ्टर क्वाइट अ बिट ऑफ रिसर्च आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटीज दिखानी है ना तो मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन दे रहा है। लेट मी शो यू कैसे। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और वापस लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करूँ, वाइप्रेट 80% का एक्यूरेसी। अब ये देखो, अब ये बॉल सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा ज्यादा स्मूथ रिजल्ट दे रहा है कि एक को उसने 61% चांस दिया और दूसरे को 38% चांस दिया। ठीक है, तो मेरे ऑब्जर्वेशन में ये पर्पस के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन ज्यादा सूटेड था। आई वुड हैव लाइक्ड कि इसका एक्यूरेसी थोड़ा और होता, लेट्स से 90% के आसपास होता, बट जब मैंने इसको रियल मैथ सिनेरियो में ट्रांसलेट किया ना तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ज्यादा बढ़िया प्रोबेबिलिटीज बता रहा था। इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू एक पूरे मैच को पकड़ करके हम इस एल्गोरिदम में भेजेंगे, मतलब जो एक मैच है उसका पूरा का पूरा सेकेंड इनिंग्स हम लोग इसमें भेजेंगे और हम पूरा मैच सिचुएशन एनालाइज करेंगे परसेंटेज बाय परसेंटेज। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो गाइज, मैंने एक बड़ा सा फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन का नाम है मैच प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर का कोड आप आराम से बैठ के देखना, मैं आपको कोड दे दूंगा, बट मैं आपको नटशेल में बताता हूँ कि ये फंक्शन करता क्या है। अगर आप इसको तीन चीजें दो, फर्स्ट आपके मैच का कंप्लीट डेटा एज इन बॉल बाय बॉल डिटेल, और सेकंड अगर आप कोई एक पर्टिकुलर मैच बताओ, पहले आप पूरे सारे मैचेस का डेटा दो, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर मैच आईडी बताओ, और अगर आप अपना मॉडल दो, तो ये क्या करता है कि हर ओवर के बाद जो चेजिंग टीम है उसका विन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके आपको एक डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, ठीक है, डिलीवरी डीएफ पास किया जिसमें सारे मैचेस का डिटेल है, और मैंने बोला उसमें जो पहला मैच है तुम उसका प्रोग्रेशन दिखाओ, और मैंने अपना पाइप वाला मॉडल भी पास कर दिया। सो ये रहा फर्स्ट मैच का काइंड ऑफ समरी कि जो भी चेजिंग टीम थी उसको 207 का टारगेट मिला था, और ये है हमारी चेजिंग टीम का परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस ऐसा है कि जब पहला ओवर खत्म हुआ तो 11 रन थे और विकेट्स एक भी नहीं गिरे फर्स्ट ओवर में,
लेकिन इस पॉइंट पे जो चेजिंग टीम है उसका हारने का प्रोबेबिलिटी इज 88% और जीतने का प्रोबेबिलिटी इज 11%। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कोर है, तो जनरली इतने स्कोर में टीम्स हार जाती हैं। अगले ओवर में सिर्फ एक रन बना तो 91% हो गया हारने का प्रोबेबिलिटी, अगले में 16 बना तो 84 हो गया, अगले में फिर 11 बना तो 79 हो गया, अगले में 5 बना विदाउट कोई विकेट लूज किए तो 79.6 हो गया, फिर अगले में 10 रन्स बने लेकिन एक विकेट भी गिर गया तो हारने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, फिर अगले ओवर में एक और विकेट गिर गया तो हारने का प्रोबेबिलिटी और बढ़ गया, फिर 13 रन्स आए तो प्रोबेबिलिटी घट गया। ठीक है, सो यू कैन सी ये आपको मैच बाय मतलब ओवर बाय ओवर डिटेल बता रहा है आखिरी ओवर में क्या हुआ 19th ओवर के एंड में, कि 9 रन्स बने एक विकेट लूज किया तो अब एकदम ऑलमोस्ट हारने का चांस है, मतलब आई गेस पहले काफी रन्स नहीं बने होंगे तो अब पूरा हारने का चांस है। तो मैंने इसी डेटा को उठाया और इस ग्राफ में प्लॉट कर दिया, सो यू कैन सी इस मैच का पूरा समरी। सो यहाँ पे जो ब्लू कलर के बार्स हैं ये बता रहे हैं कि हर ओवर में कितने रन्स बने, ठीक है, जो आपका येलो वाला कर्व है नीचे ये बता रहा है कि हर ओवर में कितने विकेट्स गिरे, ग्रीन वाला कर्व है जीतने का प्रोबेबिलिटी, रेड वाला कर्व है हारने का प्रोबेबिलिटी। तो यू कैन सी इस मैच में जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही थी पूरे टाइम उसके हारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही थी। कुछ पॉइंट्स पे ये डिफरेंस कम हुआ, स्पेशली उन पॉइंट्स पे जहाँ पे रन्स ज्यादा बने हैं और विकेट्स नहीं गिरे बहुत देर तक। ये देखो बहुत देर तक यहाँ पे कोई विकेट नहीं गिरा और रन्स भी अच्छे बनते रहे, तो ये विनिंग प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने लग गई, लूजिंग प्रोबेबिलिटी नीचे आने लग गई, बट सडनली से इस ओवर में विकेट गिर गया तो फिर प्रोबेबिलिटी डाउन आ गई। ठीक है, मैं आपको एक और मैच दिखाता हूँ, मैच नंबर 69। सो 69 का सीन ये है कि 182 का टारगेट था, तो पहले ओवर में सिर्फ 2 रन बने तो 72 का हारने का चांस है, फिर 12 रन बने तो 61, फिर 2 विकेट गिर गए अगले ओवर में तो 86 पे चला गया, फिर 3 ही रन आए तो 87 पे चला गया, फिर 13 आए तो 81 पे आ गया। सो दैट्स हाउ दिस इज थिंग इज प्रोग्रेसिंग। अब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करो तो यू कैन सी ठीक जा रहा था बट इस पॉइंट के बाद रन्स बहुत कम बन रहे थे और विकेट जैसे गिरने लगा ना तो यहाँ से एकदम डाई आउट कर गया विनिंग का कर्व और लूजिंग का कर्व बहुत ऊपर चला गया। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मैच दिखाता हूँ 74, ये मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो इस मैच की कहानी कुछ ऐसी है कि 178 चेज करना था तो ये बहुत ही चेजेबल लगता है, तो दैट इज वाई 54% लूज है और 45% विनिंग है, और 4 रन आए 8 रन आए तो थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा और जैसे एक विकेट गिरा तो 67 पे आने लगा एंड सो ऑन, ग्रेजुअली लास्ट में बहुत बढ़ गया। क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ये देखो कई बार इस मैच में एब्स एंड फ्लोज आए, इसी को बोलते हैं मैच में एब्स एंड फ्लोज आना कि मैच यहां से वहां मूव कर रहा है। सो कभी एक टीम आगे निकली कभी दूसरी टीम आगे निकली और इवेंचुअली फिर एक टीम ने पीछे छोड़ दिया, अराउंड 17th ओवर में जाके वो डिसाइसिव फ्लो आया मैच में, जिसके बाद बैटिंग सेकेंड जो कर रही थी टीम वो नहीं जीत पाई और वो हार गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्चुअली मैचेस को स्टडी भी कर सकते हो इस मॉडल को यूज करके, यू कैन एक्चुअली स्टडी मैचेस। तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है ये पूरी चीज कैसे काम कर रही है। अब ये कोड बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत ही अनऑप्टिमाइज्ड कोड है, मैंने बहुत जल्दी से जल्दी में लिखा था और इसको आप बहुत इजीली इंप्रूव कर सकते हो, बहुत सिंपल सा कोड है, मतलब कुछ भी नहीं करना है, बेसिकली आपके टोटल डेटा फ्रेम में से करंट मैच के सारे रोज को निकालना है और उनको एक एक करके पाइप में भेजना है और पाइप आपको रिजल्ट देगा और उसी रिजल्ट को आपने डिस्प्ले किया यहाँ पे और उसी के ऊपर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। ठीक है, अब इसके डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज आई रियली वॉन्ट दिस वीडियो टू बी शॉर्ट, बिकॉज बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर लोग सो जाते हैं। ये कोड आपके पास रहेगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आई एम श्योर आप पक्का चेकआउट करोगे इसको। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारा मॉडल बन चुका है और हमारा मॉडल सही से काम भी कर रहा है, अब बस एक काम बचा और वो है कि हम इसे एक वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो गाइज, वेबसाइट बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी टीम्स का नाम चाहिए हमें, तो वो हमें टीम्स में मिल जाएगा। हमें सारी सिटीज का नाम चाहिए जहाँ पे मैचेस हुए हैं, तो वो हमें डिलीवरी DF के सिटी कॉलम से मिल जाएगा। इनफैक्ट इसकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। ओके, सो हमें पहले इसको यूनिक वैल्यूज निकालनी है, सो दीज आर द यूनिक सिटीज जहाँ पे मैचेस हुए हैं। और लास्टली हमें हमारा पाइप ऑब्जेक्ट चाहिए, सो हम लिखेंगे पिकल पिकल डॉट डंप
pipe object. Let's open a file. Let's call it pipe.pkl. और हम इसे राइट बाइनरी मोड में ओपन करेंगे. यू कैन सी यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है. ठीक है, तो जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हमारे पास हैं. अब हम लोग एक नया पाइचाम प्रोजेक्ट बनाएंगे. सो गाइज, मैंने एक नया पाइचाम प्रोजेक्ट बना लिया है और इसके अंदर मैंने आपको पाइप डॉट पी के एल फाइल को भी पेस्ट कर दिया है. अब मैं यहाँ पर एक नया पाइथन फाइल बनाऊंगा. आई कॉल इट ऐप. ऑल्सो हम लोग स्ट्रीमलेट यूज़ करेंगे. सो अगर आपके पास स्ट्रीमलेट नहीं है तो यू हैव टू राइट दिस कमांड. स्ट्रीमलेट इज अ लाइब्रेरी जिसको यूज करके आप बहुत ईजिली एनालिसिस के लिए वेब एप्लीकेशन बना सकते हो. फ्लास्क में क्या करना होता है कि खुद से बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है. स्ट्रीमलेट में बिल्ट इन फंक्शन है. सो विल इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज एस टी. सबसे पहले मैं एक टाइटल ऐड करूंगा जिसमें लिखा होगा आई पी एल विन प्रिडिक्टर. ठीक है, और इतने कोड को मैं एक बार रन करूंगा बाई राइटिंग दिस कमांड स्ट्रीमलेट रन आपकी फाइल का नाम. ये एक सर्वर चला देगा और उस सर्वर पे हमारी वेबसाइट चलने लगेगी. सो दिस इज द सर्वर एंड दिस इज द वेबसाइट. ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने इनपुट्स लेंगे यूजर से. सो एक एक करके मैं इनपुट्स दूंगा और इनपुट लेने के लिए आई विल जस्ट कीप दिस थिंग ओपन. ठीक है, सबसे पहले हमें लेना है बैटिंग और बॉलिंग टीम कौन सी है. सो वी वुड राइट कॉलम वन कॉलम टू इज इक्वल टू एस टी डॉट बीटा कॉलम्स. हमें दो कॉलम्स चाहिए. पहले कॉलम के साथ हम लिखेंगे एस टी डॉट सेलेक्ट बॉक्स सेलेक्ट द बैटिंग टीम. अब यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन देना है. सो ड्रॉप डाउन कैसे देंगे हम यहाँ पे लिखेंगे टीम्स इज इक्वल टू and I will just copy this like this. ठीक है, also मैं सिटी भी मुझे चाहिए है. सो आई विल सेलेक्ट दीज सिटीज और आई विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड सिटीज. ये भी एक लिस्ट है. ठीक है, also आई विल इम्पोर्ट माई मॉडल. सो पाइप इज इक्वल टू pickle dot load open pipe dot pkl read binary. I will have to import pickle. ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा यहां पे teams का ऑप्शन दे दूंगा और जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा उसको मैं एक वेरिएबल में डाल दूंगा batting underscore team. और ये सेम काम आई वुड रिपीट विथ कॉलम टू. सो आई वुड राइट बोलिंग टीम इज इक्वल टू एस टी डॉट सेलेक्ट बॉक्स सेलेक्ट द बोलिंग टीम. अगेन मैं टीम्स का ही ऑप्शन दे दूंगा. सो इस पॉइंट पे मेरा कोड कुछ ऐसा दिखना चाहिए. नेम नैन इज नॉट डिफाइंड. ओके, सो यहाँ पर एक नैन वैल्यू है. सो विल रिमूव दिस वन. गोइंग बैक दिस इज द आउटपुट. ठीक है, आप चाहो तो टीम्स को सॉर्टेड तरीके से भी दिखा सकते हो. तो यू कैन जस्ट राइट सॉर्टेड ऑफ टीम्स. तो अल्फाबेटिकली सॉर्टेड आएगा लाइक दिस. सी एस के सबसे ऊपर लास्ट में सनराइजर्स हैदराबाद. ठीक है, ये तो हो गया. और हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए है सिटी क्या है. सो लेट्स राइट सेलेक्टेड सिटी इज इक्वल टू एस टी डॉट सेलेक्ट बॉक्स सेलेक्ट होस्ट सिटी. यहाँ पे मैं पास कर दूंगा सिटीज. अगेन आई वुड राइट सॉर्टेड सिटीज. Going back, ये रही हमारी सारी सिटीज. ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए है रन्स लेफ्ट बॉल्स लेफ्ट विकेट्स लेफ्ट टारगेट कितना है. तो पहले टारगेट ले लेते हैं. सो वी वुड राइट टारगेट इज इक्वल टू एस टी डॉट नंबर इनपुट टारगेट.
सो इट वुड लुक लाइक दिस। यहाँ पे आप टारगेट बताओगे, उसके बाद मैच का सिचुएशन लेने के लिए हम तीन चीजें पूछेंगे कि अभी रन्स कितने बने हैं, कितने ओवर्स हो चुके हैं और विकेट्स कितने आउट हैं। ठीक है, तो वी वुड आस्क Column 3, Column 4, Column 5 इज इक्वल टू ST.BetaColumns3। विथ Column 3 आई वुड राइट ST.NumberInput सिंपली स्कोर, और इसको हम लोग स्कोर बोल के एक वेरिएबल में डाल देंगे। विथ Column 4 हमें पूछना है ओवर्स कितने हो गए, सो वी वुड राइट ओवर्स इज इक्वल टू ST.NumberInput ओवर्स कंप्लीटेड। विथ Column 5 विकेट्स इज इक्वल टू ST.NumberInput विकेट्स आउट, और अब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, करंट स्कोर, ओवर्स कंप्लीटेड, विकेट्स आउट आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, और बस लास्ट में विल हैव अ बटन इफ ST.button प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी पास। सो दिस इज द कोड। ठीक है, ये हमारा UI है। अब हम यहाँ से इनपुट लिया करेंगे और उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमें इसके हिसाब से। जैसे हमें सबसे पहले रन्स लेफ्ट निकालने होंगे, तो रन्स लेफ्ट निकालना बहुत इजी है। सो वी वुड राइट रन्स लेफ्ट इज इक्वल टू जो भी टारगेट है माइनस जो करंट स्कोर है। रन्स लेफ्ट हो गया। बॉल्स लेफ्ट, सो बॉल्स लेफ्ट भी बहुत सिंपल है। बॉल्स लेफ्ट वुड बी 120 माइनस ओवर्स का जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट इज विकेट्स। विकेट्स इज इक्वल टू 10 माइनस विकेट्स। टोटल रन्स तो हमारा टारगेट ही है, हमारे पास ऑलरेडी है। करंट रन रेट, करंट रन रेट वुड बी इक्वल टू जो करंट स्कोर है मल्टीप्लाइड बाय, एक्चुअली डिवाइडेड बाय जितने अभी ओवर्स हुए हैं। दिस इज करंट रन रेट। रिक्वायर्ड रन रेट वुड बी रन्स लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय बॉल्स लेफ्ट। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब हमारे पास बैटिंग टीम है, बॉलिंग टीम है, सिटी है, रन्स लेफ्ट, बॉल्स लेफ्ट, विकेट्स लेफ्ट, टारगेट, करंट रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट, ये सब कुछ है। अब बस हमें क्या करना है, इस पूरी चीज को एक डेटा फ्रेम का फॉर्म देना है। सो वी वुड राइट PD. विल हैव टू इम्पोर्ट पैंडास एज PD। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। डेटा फ्रेम, और यहां पर आई विल पास अ डिक्शनरी, और मुझे डेटा फ्रेम के फॉर्म में ही देना पड़ेगा ये बैटिंग टीम। एक बार ये मैं झट से कंप्लीट कर लेता हूँ। सो दिस इज माय इनपुट डेटा फ्रेम, और एक बार मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ ST.table के अंदर इनपुट DF। सो लेट्स गो बैक टू आर ऐप, लेट्स सेलेक्ट सम इनपुट। आबू धाबी, बैंगलोर में मैच हो रहा है, टारगेट 200 का है, 100 रन्स बन चुके हैं, 10 ओवर्स हुए हैं और विकेट्स 5 आउट हुए हैं। सो यू कैन सी बैटिंग टीम सही आ रहा है, बॉलिंग टीम आ रहा है, सिटी आ रहा है, रन्स लेफ्ट 100 है, बॉल्स लेफ्ट 60 है, विकेट्स लेफ्ट 5 है, टारगेट 200 है, करंट रन रेट 10 का है और रिक्वायर्ड रन रेट भी 10 का है। ठीक है, सही आ रहा है। अब बस हमें क्या करना है, हमें pipe.predict प्रोबेबिलिटी फंक्शन को कॉल करना है और उसमें ये इनपुट DF पास करना है। हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा और उस रिजल्ट को हम डिस्प्ले करेंगे ST.text के अंदर। सो लेट्स गो बैक प्रिडिक्ट। ओके, सो देर इज सम एरर,
सो इस एरर का रीज़न ये है कि यहाँ पर कॉलम का नाम विकेट्स है, और जब मैंने ये डेटा फ्रेम बनाया तो मैंने यहाँ पे विकेट्स लेफ्ट रख दिया. सो आई रिमूव इट एंड आई गो बैक टू द कोड एंड रन करते हैं. एंड यू कैन सी अभी जो बैटिंग टीम है उसके हारने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जीतने का प्रोबेबिलिटी कम है. ठीक है, तो इसको डिस्प्ले करने के लिए व्हाट वी विल डू इज़ हम लोग पहले लॉस निकालेंगे, दैट वुड बी रिजल्ट का 0 का 0, और विन निकालेंगे, दैट वुड बी रिजल्ट का 0 का 1. एंड देन वी कैन राइट दिस बैटिंग टीम प्लस दिस प्लस एसटीआर ऑफ राउंड ऑफ जो भी लॉस है, नहीं सॉरी, बैटिंग टीम के लिए जो भी विन है. एंड विल कॉपी दिस. इन फैक्ट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आल्सो राइट प्लस परसेंट एंड आई कैन कॉपी, और यहाँ पे आई कैन राइट बॉलिंग टीम विन के बदले लॉस. एंड दैट्स द कोड गाइस. अच्छा, हमने राउंड कर दिया. राउंड करने के पहले 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो या 38%, 62% सही है. अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हो हेडर यूज करके. ये रहा, ठीक है. ऑल्सो अब हमें ये टेबल प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है. कोई और मैच सिचुएशन लेते हैं. लेट्स से केकेआर खेल रही है अगेंस्ट मुंबई इंडियंस. सिटी है मुंबई और टारगेट है 156 का. करंट स्कोर है 78 आफ्टर 9 ओवर्स और विकेट्स आउट हुए हैं 2. प्रिडिक्ट कोलकाता का बहुत हाई चांस है. अब एक चीज़ मुझे देखनी थी एक्चुअली, मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ इसमें कि अगर मैं होस्ट सिटी को चेंज करके कोलकाता कर दूँ तो मुझे चेक करना है कि होस्ट सिटी एज इन होस्ट ग्राउंड का कोई फर्क पड़ता है कि नहीं. सो अभी 75:25 का रेशियो था जब मुंबई में मैच हो रहा था और कोलकाता वहां पे होस्ट थी. अब मुझे देखना है कि जब कोलकाता में मैच हो रहा है तो क्या कोलकाता का चांस बढ़ा. सी 79% हो गया. इट मीन्स होस्ट सिटी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो या मतलब दिस इज द ऐप और ये काम कर रहा है. अब एक लास्ट काम करते हैं, इसको डिप्लॉय कर देते हैं हेरोकू के ऊपर. सो गाइज, अगर आपको इसको हेरोकू पे डिप्लॉय करना है तो आपको पहले कुछ फाइल्स बनानी पड़ेंगी. सो मैं एक एक करके वो फाइल्स बना रहा हूँ. सबसे पहली जो फाइल है वो होगी setup.sh. दिस इज लाइक अ बैच फाइल जो सीरीज ऑफ कमांड्स रन करेगी आपके सर्वर पे. सो दिस इज द कमांड. सेकेंड फाइल वुड बी प्रॉक फाइल, और प्रॉक फाइल में आप ये कमांड रन करोगे. इट्स बेसिकली अ कमांड जिसको यूज करके आपका app.py रन होगा. एंड लास्टली आपके पास एक और फाइल होनी चाहिए requirements.txt, जिसमें आप ये बताओगे कि कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं सर्वर के ऊपर. सो यू विल हैव स्ट्रीमलेट, यू विल हैव पैंडास, नंपाई, एसकेलन, दैट्स इट. ठीक है, और ये हम लोग ने प्रिपेयर कर लिया. अब हमें क्या करना है, हेरोकू में लॉग इन करना है और एक नया एप्लीकेशन बनाना है. लेट्स कॉल इट IPL विन प्रिडिक्टर. कैंपस एक्स क्रिएट ऐप. अब बस हमें क्या करना है, सबसे पहले हेरोकू CLI डाउनलोड करना है. अगर आपने ऑलरेडी नहीं कर रखा तो इसको इंस्टॉल कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अब लाइन से हमें ये सारे कमांड्स रन करने हैं. सो आई विल कॉपी दिस, आई विल गो बैक टर्मिनल पेस्ट. ये हमें लॉग इन करवाएगा. लॉग इन हो गया. स्टेप 2 गेट इनिशियलाइज करना है.
स्टेप थ्री ये कोड, स्टेप फोर गिट ऐड, स्टेप फाइव कमिट, एंड लास्टली आई जस्ट पुश माई कोड. थोड़ा टाइम लग सकता है, सो लेट्स वेट. सो गाइस, हमारा वेबसाइट डिप्लॉय हो चुका है, ये रहा वो लिंक, एंड दिस इज आवर वेबसाइट. ये कुछ वार्निंग्स आ रही है, इट्स बिकॉज हमने बीटा कॉलम्स यूज़ किया है और वो लोग बोल रहे हैं कॉलम्स यूज़ करने के लिए, तो हमें एक बार स्ट्रीमलेट को अपलोड करके, सॉरी अपडेट करके कॉलम्स यूज़ करना चाहिए. लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम. किंग्स इलेवन पंजाब मैच हो रहा है चेन्नई में, टारगेट है 178 का, स्कोर है 69, ओवर्स हुए हैं 7, विकेट्स हैं 2, 51-49, प्रिटी इवन राइट नाउ. और अगर हम यहाँ पे 5 कर दें तो या चेन्नई के हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है. सो या, दिस इज द प्रोजेक्ट गाइज, इट्स डन. एंड दैट वॉज द प्रोजेक्ट गाइज. आई होप आपको पसंद आया और आपने कुछ सीखा इस प्रोजेक्ट से. अब एक बात जो मुझे डिस्कस करनी है वो ये है कि अभी भी बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का इस प्रोजेक्ट में. मैंने बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स ट्राई नहीं किए, और अगर आप चाहो तो और एल्गोरिदम्स को ट्राई कर सकते हो. इनफैक्ट अगर आपको लगता है तो आप कुछ नए फीचर्स भी ऐड कर सकते हो जो भी आप बना पाओ, ठीक है. ऑल्सो मैंने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है. सो जो भी एल्गोरिदम आप चूज़ करो उसको हाइपर पैरामीटर ट्यून कर सकते हो. इन शॉर्ट जो हमारी एक्यूरेसी अभी 80% के अराउंड है, आप उसको इम्प्रूव करके 85-90 तक अप्रोच करवा सकते हो, ठीक है. सो बट अगेन, मेरा काम था आपको रास्ता दिखाना. बाकी अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें करोगे, ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, एंड किसी और के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हो. सो दैट्स इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.